नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है एक ऐसे शख्स का, एक ऐसी शख्सियत का जिसकी मुख्तलिफ जहते हैं। जी हाँ, ये नाम है कमर रईस। आज के इस एपिसोड में हम कमर रईस की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गजलों को मौसीकी की धुनों पर सुनेंगे। नाज़रीन, कमर रईस बयक वक्त शायर, सहाफ़ी, मुतरजम, मुदर्रिस और नक्काद भी हैं। कमर रईस की पैदाइश 12 जुलाई 1932 में उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में हुई। वैसे तो उनकी शोहरत प्रेमचंद शनासी है, लेकिन जब हम उनके अशार का मुताला करते हैं तो हमें उनकी ज़ात में एक मुकम्मल शायर नज़र आता है। और वो शायर जिसकी जमाने के हालात पर पैनी नजर है और वो उन हालात को अशार की शक्ल में ढाल कर लोगों तक पहुंचाने का काम बखूबी जानता है। आइए नाज़रीन, कमर रईस के बारे में मजीद जानने के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। प्रोफेसर कमर रईस, शाहजहांपुर से उनका ताल्लुक था और हम सब एक बड़े अदबी शख्सियत की हैसियत से उन्हें जानते हैं और उर्दू अदब ख़ास तौर से उन्हें एक नक्काद के तौर पर जानता है और नक्काद में भी मार्क्सी तनकीद उनका ख़ास पेशा है, ख़ास पहचान है। प्रोफेसर कमर रईस प्रेमचंद के सबसे पहले महक्किक हैं। बजाय इसके कि हम उनकी अदबी खिदमात पे आएँ, हम जानें कि प्रोफेसर कमर रईस कौन हैं। कमर रईस एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिनकी पैदाइश शाहजहांपुर के एक कस्बे में, एक गांव में हुई। उस पैदाइश के बाद उनके आसपास का जो उन्हें माहौल मिला, वो माहौल वो था उनके आसपास किसान, मज़दूर, खेतों में काम करने वाले माली या जो दलित तबका के लोग थे उनके आसपास वो रहने वाले थे। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि उनके वालिद एक मशहूर वकील थे और उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो एक बड़े वकील बने। प्रोफेसर कमर रईस, उनको वकालत से दिलचस्पी नहीं थी, बावजूद इसके कि उन्होंने LLB पूरी की, वालिद साहब के साथ जाते भी थे। एक वाक्या बहुत मुख्तसर सा आपके सामने ज़िक्र करूं। एक औरत आई अपने केस के लिए, उन्होंने प्रोफेसर कमर रईस ने कहा कि भाई इनका केस तैयार करो। जब केस तैयार हो गया तो कमर रईस साहब के जो मुआविन थे, असिस्टेंट थे उस वक्त, उस ज़ईफ़ा से कहा कि आप टिकट के कुछ पैसे दे दें। वो ज़ईफ़ा रोने लगी, कहती है बाबू मेरे पास पैसे नहीं हैं। कमर रईस साहब ने जैसे ही सुना फौरन अपने जेब से पैसे दिए, कहता कोई बात नहीं है, टिकट लो और इनके केस फाइल करो। लेकिन शुरू से, बचपन से ही उनके अंदर अदबी ज़ौक पनप रहा था और वो इंटर कॉलेज में जब थी उस बीच भी वो शेर व शायरी, अफसाने से दिलचस्पी रखते थे और बल्कि वो लिखने पढ़ने लगे थे। उनके बड़े भाई कहते हैं, मुबारक शमीम साहब, कि कमर को जिनका घरेलू नाम छक्कन है, उनको वकालत से ज़्यादा अदबी दिलचस्पी थी, अदब से दिलचस्पी थी। यही वजह है कि वकालत का पेशा छोड़ करके वो अदब की तरफ माइल हुए और अपने अदबी तिश्नगी को पूरा करने के लिए अलीगढ़ पहुँचे। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के अंदर उन्होंने PhD अपनी कंप्लीट की। मताए फिक्र, निशाते अमल, फरोगे हयात, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी ये आखिरी सौगात। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से DD उर्दू ने आपके लिए सजाया है और महजूज होते हैं। ए खाके वतन, तेरे परस
सब है ए खाके वतन तेरे परस्तार तो सब है हम ही हुए क्यों खार गुनाहगार तो सब है ए खाके वतन तेरे परस्तार तो सब है हम ही हुए क्यों खार गुनाहगार तो सब है ए खाके वतन तेरे परस्तार तो सब है। हम भी हैं कफन सर पे उठाए हुए ऐसा हम भी हैं कफन सर पे उठाए हुए ऐसा जल्दी तुम्हें थी वरना सरे हम ही हुए क्यों खार गुनाहगार तो सब है ए खाके वतन तेरे परस्तार तो सब है। हाकिम भी है मुनसिफ भी जो कहते सरे बस हाकिम भी है मुनसिफ भी जो कहते हैं सरे बस मासूम है दो चार ये गद्दार तो सब है मासूम है दो चार ये गद्दार तो सब है हम ही हुए क्यों खार गुनहगार तो सब है ए खाके वतन तेरे परस्तार तो सब है। एक नूह नहीं जो हमें कश्ती में बिठा ले एक नूह नहीं जो हमें कश्ती में बिठा ले वरना किसी तूफान के आसार तो सब है वरना किसी तूफान के आसार तो सब है हम ही हुए क्यों खार गुनाहगार तो सब है ए खाके वतन तेरे परस्तार तो सब है हम ही हुए क्यों खार गुनाहगार तो सब है ए खाके वतन ए खाके वतन ए खाके वतन। कहाँ छुपाऊं इसे किस तरह बचाऊं इसे कहाँ छुपाऊं इसे किस तरह बचाऊं इसे चराग एक हवा तेज और अंधेरी रात। नाजरीन जैसे कि हमें पता है
कि कमर रईस मार्क्सी नजरिए के नाकिदों में शुमार किए जाते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी में हमें मकसदियत नजर आती है। वो किसी भी बात को सरसरी नहीं कहते, क्योंकि वो तरक्की पसंद नजरिए के मानने वाले थे, इसलिए उनकी शायरी में तामीर नजर आती है। उन्होंने अपनी शायरी से वही काम लेना चाहा जो उन्होंने अपनी तनकीद से लिया। उनकी शायरी के अंदर जिंदगी के जेरो बम हैं, परेशानियां हैं, तंगहाली है, और जिंदगी की सच्चाइयों को सामने लाते हुए नजर आते हैं। उनकी अदबी खिदमात बेशुमार हैं। उनके खिदमात का अहाता करना काफ़ी मुश्किल है। उनकी तख्लीकी नसरी खिदमात इतनी हैं, तनकीदी खिदमात, कि उसको मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अपने नसरी और अदबी खिदमात के ज़रिए उन्होंने समाज को मारूजी अंदाज से देखने की कोशिश की है, बावजूद उसके कि उनका ईमान था इंसानियत के ऊपर, लेकिन हर चीज़ को वो अकली जाविये से देखते थे। प्रोफेसर कमर रईस की अदबी खिदमात का कि हम सब मुतारिफ हैं, हम सब को एतराफ़ है, एक बड़ा सरमाया नसरी तख्लीकी खिदमात उन्होंने पेश की। साथ ही साथ उनकी शेरी खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी शेरी तख्लीकात एक दो साल पे मुहित नहीं है, एक बड़ा लंबा अरसा है जो उनकी एक तकरीबन 40-50 साल के अरसे पे मुहित है। उनका शेरी मजबूआ शाम नवरोज जो काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका, और उसके पढ़ने के बाद प्रोफेसर कमर रईस की शख्सियत की कई ऐसी परतें जो लोगों के नज़रों से ओझल थीं, लोग जब उनको सिर्फ एक नक्काद के तौर पर जो लोग देखते थे, उनका तारुफ कमर रईस से बहसत शायर होता है। शाम नवरोज जब आप मुताला करें, उनमें ऐसी गज़लें हैं जो बड़े बड़े शायरों के सफ़ में उनको लाकर खड़ा करती हैं। शाम नवरोज उनका शेरी मजमुआ है, और ये ख़ुद अपने शेरी मजमुए में प्रोफेसर कमर रईस कहते हैं कि हमारे इस मजमुए में कई ऐसी नज़में जो मेरी बहुत पसंदीदा थीं और मेरे अहबाब को ख़ास तौर पर अपने इस शेरी मजमुए में ज़िक्र करते हैं, प्रोफेसर रशीद हसन खान साहब मरहूम का, जिसके हवाले से वो कहते हैं कि गुलकार मकबरा, ये नज़्म उन्हें बहुत पसंद थी, तलाश बिस्यार के बावजूद इस शेरी मजमुए में शामिल नहीं हो सकी। एक और नज़्म इंतबाह, ये नज़्म भी उनके दोस्तों को बहुत पसंद थी, लेकिन ये नज़्म भी इसमें जगह नहीं पा सकी। इसमें उनकी तकरीबन 10-12 मशहूर नज़में इस शेरी मजमुए में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन जो नज़में इस मजमुए में शामिल हैं, उन सब को पढ़ने के बाद ये कारी को महसूस होता है कि एक शायर, एक बड़ा शायर जो अपने दिल की कैफियत को बयान करना चाहता था और जिन्होंने बयान किया, वो कारी की नज़रों से काफ़ी दिनों तक ओझल रहा। ये जो रह रह के धुआं उठता है आग भी होगी जहां उठता है। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। ये जो रह रह के धुआं उठता है, ये जो रह रह के धुआं उठता है, आग भी होगी जहां उठता है। ये जो रह रह के धुआं उठता है, आग भी होगी जहां उठता है। ये जो रह रह के धुआं
के पहलू में भी एक दिल है जरूर, दिल के पहलू में भी एक दिल है जरूर, एक से गम कहा ये उठता है, आग रहती है जहां उठता है, ये जो रह रह के धुआं उठता है, आग भी होगी जहां उठता है, ये जो रह रह के धुआं बाल चांदी से है फिर भी अक्सर, बाल चांदी से है फिर भी अक्सर, दिल पे एक नक्शे जवा उठता है, आग भी होगी जहां उठता है, ये जो रह रह के उठता है, आग भी होगी जहां उठता है, ये जो रह रह के तुमसे क्या नाज बहार उठेगा, तुमसे क्या नाज बहार उठेगा, तुमसे कब बर्फ़ खिज़ा उठा है, आग भी होगी जहां उठा है, ये जो रह रह के उठता है, आग भी होगी जहां उठा है, ये जो रह रह के धुआं उठता है, आग भी होगी जहां उठता है, ये जो रह रह के धुआं। नाज़रीन, कमर रईस को उर्दू और फारसी के अलावा उज़्बेकी भी आती थी। ना कि सिर्फ आती थी बल्कि उसके निज़ाम, अरूज, बहर और कवायद पर ज़बरदस्त पकड़ रखते थे। यही वजह है कि वो अपनी शायरी में और नसर में आसान ज़बान के हामी नज़र आते हैं। वो मुश्किल और मुबहम अल्फाज से गुरेज करते हैं और सादा ज़बान में बात करते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी लोगों के दिलों में उतर जाती है और उनके जहनों को अपनी तरफ मबजूल कर लेती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है प्रोफेसर कमर रईस की दूसरी खिदमात की, अदबी और नसरी खिदमात के अलावा प्रोफेसर कमर रईस की खिदमात बेशुमार हैं जिससे हम आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हम जानते हैं प्रोफेसर कमर रईस कई साल तक वस्त एशिया के मशहूर शहर ताशकंद में इंडियन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर रहे। बहसियत डायरेक्टर उन्होंने उर्दू अदब की जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिल तलाफी हैं, जिसका हम आप जिक्र नहीं कर सकते, बगैर जिक्र किए वो काफ़ी हो ही नहीं सकता। उर्दू अदब के चाहने वाले आज की डेट में जो लोग उज़्बेकिस्तान के अंदर हैं उनमें से बेशतर वो हजरात हैं जो कमर रईस के पढ़ाए हुए शागिर्द हैं, और वो हजरात ऐसे हैं जो बेहतरीन नफासत के साथ उर्दू बोलते हैं, उर्दू को पढ़ाते हैं,
वहाँ के बच्चे उर्दू सीखते हैं। कमर रईस ये पहले हिंदुस्तानी और पहले ऐसे उर्दू के अदीब हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि हुकूमत हिंद ने अपने कल्चर सेंटर का डायरेक्टर बनाकर भेजा। प्रोफेसर कमर रईस न सिर्फ एक प्रोफेसर थे बल्कि आलम एक अदबी रिश्ते के ज़रिए से अदब के हवाले से हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान के इलाकाई रिश्ते को मजबूत कर रहे थे। अपने इल्मी काम की वजह से दोनों मुल्कों के बीच में एक पुल का काम कर रहे थे। उनकी इतनी खिदमात हैं उज़्बेकिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर हम आप जाएं तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर कमर रईस के हवाले से काफ़ी सारी बातें करेंगे। मरने की कोई राह न जीने का सबब है, मरने की कोई राह न जीने का सबब है, जीना भी यहाँ कहर है, मरना भी गज़ब है। नाज़रीन, इस तरीके के फ़लसफियाना कलाम को आइए मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मरने की कोई राह जीने का सबब है, मरने की कोई राह जीने का सबब है, जीना भी यहाँ कहर है, मरना गजब है, मरने की कोई राह जीने का सबब है। सुनते हुए जुग बीत गया किस्सा ए जहर, सुनते हुए जुग बीत गया किस्सा ए जहर, अब इस हकीकत भी बना डाली तब है, अब इसको हकीकत भी बना डाली तब है, जीना भी यहाँ कहर है, मरना भी गजब है, मरने की कोई राह जीने का सबब है। पहचान ही लेगा ये लहू दामन का दिल, पहचान ही लेगा ये लहू दामन का दिल, है हर्ष का बता दो कोई कर।
नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने कमर रईस के हयात व खिदमत पे बात की और उनकी गजलों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।